दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, गया समेत प्रदेश के 6 जिलों में गिरा पारा, 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। जी देखिए, पर्वतीय प्रदेश से आ रही ठंड और शुष्क हवा के कारण प्रदेश के न्यूनतम पारे में गिरावट का सिलसिला जारी है। वही देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के साथ ही राज्य भर में ठंड बढ़ने के आसार है। साथ ही देखिए, गया समेत प्रदेश के सारण, रोहतास, नवादा, शेखपुरा, बांका, फारबिसगंज के न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आई है। वहीं राजधानी समेत औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में दिसंबर से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, इन रूटों पर चलाने की है तैयारी। जब देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। बिहार को जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस मिल सकता है। विभाग इसकी तैयारी कर रही है। दिसंबर तक अगली वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर आने की संभावना है। हालांकि नए वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को लेकर अभी तक मंत्रालय की ओर से फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय के अनुसार 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन जल्दी शुरू हो सकता है। ICF चेन्नई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का तेजी से तैयार किया जा रहा है। ये ट्रेन 2 राज्यों को मिल सकता है, इसमें बिहार और तेलंगाना शामिल है। इन दोनों राज्यों को अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिला है। वही मंत्रालय के अनुसार इन ट्रेनों के उन रूटों पर चलाया जाएगा जिन पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी। वही मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर और पटना रोड पर इसे चलाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सबसे बड़ी खास बात इस ट्रेन में यह है कि केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। साथ ही यह अन्य ट्रेनों की अपेक्षा काफी हल्की है। यह पूरी तरह से AC है जिसमें स्वचालित दरवाजे लगे हैं। इसके अलावा इसमें सीट को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। बड़ी खबर में देखिए, पटना में 27 नवंबर को हुआ हाफ मैराथन का आयोजन, हिमा दास होगी ब्रांड एम्बेसडर, कई नामचीन खिलाड़ी लेंगे भाग। जहाँ देखिए, पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 7000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि इस आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास होगी। इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज एवं कई नामचीन खिलाड़ी व विशिष्ट व्यक्ति भी भाग ले रहे हैं। इसके तैयारियों को लेकर पटना के मंडलीय आयुक्त रवि ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की है। आयुक्त कुमार रवि ने कहा कि आम जनता में नशा मुक्ति के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंध विभागों के पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर काम करने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी मैदान में प्रतिभागियों का प्रवेश गेट नंबर 4 एवं 12 से होगा। पार्किंग की व्यवस्था गेट नंबर 5 के नजदीक रहेगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना में 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के चलने पर लगेगी रोक, प्रदूषण से निपटने के लिए ये DM का प्लान। जी देखिए, पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को सघन जांच अभियान चलाकर वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही देखिए, उन्होंने कहा कि 15 साल से अधिक व्यावसायिक और अन्य सभी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाए। साथ ही DM ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को सभी वाहन उत्सर्जन जांच केंद्रों को क्रियाशील रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय में जागरूकता अभियान चलाने को कहा है ताकि बच्चों के माध्यम से समाज में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता प्रसारित की जा सके। वही DM ने प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए जनवरी तक पटाखा नहीं छोड़ने की अपील की है। बड़ी खबर में देखिए, लालू की नई टीम में 4 उपाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 10 महासचिव और 12 सचिव। जहाँ देखिए, बिहार राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सिंगापुर रवाना होने से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की टीम में 27 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें से 4 उपाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 10 महासचिव और 12 सचिव बनाया गया है। इसके अलावा 1 कोषाध्यक्ष भी है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों में 10 यादव और 3 मुसलमान को जगह मिली है। वहीं देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही देखिए, लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद यह भी तय हो गया है कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा में आए अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद यह और स्पष्ट हो गया है।
बड़ी खबर में देखिए बीपीएससी 67वीं की मुख्य परीक्षा के शेड्यूल हुआ जारी 29 से 31 दिसंबर तक पेपर। यहाँ देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इसके लिए 11,600 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। परीक्षा के एक सप्ताह पहले ही प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए पटना में ही केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं पहली पाली में 29 दिसंबर को प्रथम पत्र में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन के दूसरे पत्र की परीक्षा होगी। वहीं 23 दिसंबर को सामान्य हिंदी और 31 दिसंबर को वैकल्पिक विषय की परीक्षा होगी। बड़ी खबर में देखिए मैट्रिक व इंटर परीक्षार्थियों के विवरण को जांचेगा बिहार बोर्ड। यह देखिए मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के विवरण की जांच अब बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी। इससे पहले बोर्ड ने सभी स्कूलों को विद्यार्थियों के 3 विवरण देने का निर्देश दिया है। इसमें छात्र के नाम, माता पिता के नाम और जन्म तिथि शामिल है। आपको बता दें कि इसके लिए बोर्ड ने द्वितीय डमी प्रवेश पत्र जारी किया है। अगर किसी छात्र के इन 3 विवरण में त्रुटि है तो उसका साक्ष्य के साथ बोर्ड को उपलब्ध करवाना होगा। इसके लिए स्कूल के प्राचार्य को 1 दिसंबर तक बोर्ड के पास ईमेल के माध्यम से जाएगी। स्कूल प्राचार्य द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर बिहार बोर्ड द्वारा उसकी जांच की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में छात्र या छात्रा का नाम माता पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए कोडनी में सीएम नीतीश 2 को करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं 23 को तेजस्वी और मांझी की सभा। यह देखिए बिहार में आगामी 5 दिसंबर को कोडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं अब इस चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दल में शामिल नेताओं का भी दौर शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक 23 नवम्बर को बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी चुनाव प्रचार करेंगे। दरअसल जदयू प्रदेश उमेश कुशवाहा ने शुक्रवार को कहा कि कोडनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनावी सभा करेंगे। सीएम नीतीश 2 दिसंबर को कोडनी में प्रचार करेंगे। वहीं महागठबंधन के अन्य नेता भी प्रचार में जाएंगे। वहीं देखिए कुशवाहा ने कहा कि इस सीट पर हमारे प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की जीत पक्की है। उनको हर वर्ग के मतदाताओं को समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री सीएम नीतीश द्वारा बिहार के विकास को लोग सराह रहे हैं, हमारी सरकार को अपना समर्थन दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोडनी की जनता यह तय कर चुकी है कि वह बिहार का विकास और रोजगार देने वाले पार्टी को अपना वोट देंगे। बड़ी खबर में देखिए बिहार के पुलिस विभाग में 10,000 पदों पर होगी नियुक्ति, जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया। जी हां देखिए बड़ी खबर है, बिहार के पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। जनवरी महीने में पुलिस में विभिन्न स्तरों के 10,000 से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ही पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के समय कहा था कि बिहार में प्रति 1,00,000 की आबादी पर 160-170 पुलिस होनी चाहिए। ऐसे में राज्य में करीब 44,000 और पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी। वहीं देखिए मुख्यमंत्री के इस टास्क पर अमल करते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। इसकी जानकारी होने के बाद रोस्टर क्लियरेंस कराकर नई नियुक्तियों के लिए अधिसूचना भेजी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नए साल के शुरुआत में केंद्रीय चयन परिषद द्वारा सिपाही और बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा दारोगा के पदों पर बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है। बड़ी खबर में देखिए पटना से रांची अब बस इतने घंटे में होगा तय, नया रूट बनकर तैयार, 64 किलोमीटर सफर बेहद रोमांचक। याद रखिए पटना से रांची जाने वालों के लिए खुशखबरी है, अब ये दूरी कम हो जाएगी, 11 घंटे में ही रांची पहुंचा जा सकता है। पटना से रांची के लिए नया रेल रूट बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि वाया वरका काना हजारीबाग कोडरमा इसी नई रेल लाइन के जरिए पटना रांची के बीच की दूरी 13 घंटे की जगह 11 घंटे में तय हो सकेगी। वहीं पटना रांची के बीच चलने वाली ट्रेनों को अब गोमो और पश्चिम बंगाल के झलदा नहीं जाना पड़ेगा। वहीं बारका काना से सीधे ही हजारीबाग कोडरमा होते हुए ट्रेनें पटना निकल जाएगी। आपको बता दें कि नवनिर्मित सिद्धवार शाह के रेलखंड पर 18 नवंबर को सफलतापूर्वक इंजन का ट्रायल रन किया जा चुका है। इस नए रेल रोड पर उद्घाटन जल्द होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस रेलखंड में 4 टनल, 32 मोड़ और 5 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। इस संबंध में रांची रेलखंड के DRM प्रदीप गुप्ता ने बताया कि फिलहाल रांची मोरी बारका काना रोड पर जो ट्रेनें चल रही है उन्हें कुल 118 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। नई लाइन रांची बारका काना की दूरी महज 75 किलोमीटर ही रह जाएगी। खबर में देखिए पटना में जनवरी से चलेगी CNG वाली 25 ऐसी बसें, न्यूनतम किराया 10 रुपया, जाने किन रूटों का हुआ चयन। यहाँ देखिए पटना के लोग अब CNG ऐसी बसों में सफर करेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 25 नए CNG बसों की खरीद की है। अभी इन बसों के पंजीयन और परमिट की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी तक इन बसों के परिचालन की उम्मीद की जा रही है। इन CNG ऐसी बसों में कुल 32 सीटें होगी और 65% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वहीं महिला यात्री नहीं होने की स्थिति में इन सीटों पर पुरुष बैठ पाएंगे। साथ ही देखिए परिवहन विभाग
विभाग के अधिकारियों के अनुसार सीएनजी एसी बसों का किराया काफी कम रखा जा रहा है। इस बस का न्यूनतम किराया 10 रुपया रखा जा रहा है। वायदे के सबसे कम किराया गांधी मैदान से पटना जंक्शन के बीच रखा गया है। इतनी दूरी तय करने पर यात्रियों को महज 11 रुपये का टिकट लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि नॉन एसी बसों की तुलना में इन एसी बसों से सफर करने पर लोगों को 7 से 10 रुपये तक अधिक खर्च करने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इन सीएनजी एसी बसों का परिचालन कारगिल चौक से पटना साहिब स्टेशन से फुलवाड़ी एम्स एयरपोर्ट से गांधी मैदान दानापुर से बाईपास और बिहार शरीफ और हाजीपुर तक चलेगी। में देखिए पटना के लोगों को अगले माह से मिलेगी 5G की सुविधा, अन्य जिलों में 2023 तक होगी शुरू। जी देखिए बड़ी खबर है, पटना में 5G सर्विस दिसंबर के अंत में शुरू होगी। वही नए साल में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में सेवा शुरू होगी। रिलायंस जियो इसकी तैयारी कर रही है, जबकि एयरटेल का फोकस पटना पर है। वही देखिए इसी आधार पर मोबाइल ऑपरेटर तैयारी में जुटे हैं। इसके बाद दरभंगा, सिवान, बेगूसराय, गोपालगंज, सासाराम, मुंगेर का नंबर आएगा। हालांकि 2023 तक सूबे के सभी शहरों में 5G की सेवा पूरी तरह से चालू हो जाएगी। के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ने दूरसंचार विभाग और ऑपरेटर्स को तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। कंपनी के सूत्रों की माने तो दिसंबर अंत तक पटना जिले में 5G नेटवर्क के सिग्नल मिलने लगेंगे। साथ ही देखिए सूबे में 5G सर्विस लॉन्चिंग के बाद जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर का आमंत्रण मिलना शुरू हो जाएगा। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा और 1 GBPS तक की स्पीड मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। बड़ी खबर में देखिए मार्च 2023 तक हर पंचायत के 4 वार्डों में लग जाएगी सोलर लाइट। जी हां देखिए अगले साल मार्च 2023 तक सूबे के सभी पंचायतों के 4 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना के तहत इस अवधि तक 32,000 सोलर लाइट लगा दी जाएगी। सोमवार को अंतर विभागीय बैठक में पंचायत राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सरकार प्रदेश के सभी वार्डों को अगले वित्तीय वर्ष मार्च 2024 तक सोलर लाइट से रोशन कर देगी। साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों में इस योजना के लिए राशि निर्गत कर दी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10-10 सोलर लाइट मार्च 2024 तक सूबे के सभी वार्डों में लगाने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं 20 वार्ड की सोलर लाइट बिजली के पोल पर लगाई जाएगी। वहीं 2024 तक 32,000 वार्डों में सोलर लाइट लगा देगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।